नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। आगरा आकर जो ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो शुभारंभ हुआ है आगरा में, तो कैसा लग रहा है? इस तरह के जो प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए लोगों को, किस तरह से फिल्मों के प्रति? बहुत अच्छी बात है आगरा के लिए कि इस तरह के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, उससे सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि आगरा शहर वैसे भी बड़ा ऐतिहासिक शहर रहा है जी। इसके बारे में ज़्यादा कह पाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसमें सब कुछ है, बट एक चीज़ थी जो कि कलाकारों के लिए नहीं थी, तो इसके आयोजन से यहाँ के जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उनको देश विदेश की फिल्में देखने को मिलेंगी, कई अच्छे लोगों से उनको मोटिवेशन मिलेगा। तो इससे हम समझते हैं कि हमारे जो कलाकार लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है, आगरा के बच्चों के लिए, क्योंकि जो हमारी छोटी छोटी प्रतिभाएं होती हैं जिनमें वाकई में कला का पुट छिपा होता है, वो आगरा उठ नहीं पाता है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मंच है। और यहाँ पे वो आएँ और फिल्में देखें, देश विदेश की फिल्में देखें, अपने यहाँ की फिल्में देखें, अपने एक्टरों से मिलें, बाहरी एक्टरों से मिलें, तो उससे उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और इस क्षेत्र में और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छे अच्छे उभरते हुए कलाकार मिले। छोटी फिल्मों को बड़ा प्लेटफॉर्म देने की एक कोशिश है, जिसे कह सकते हैं। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी है। और जो हमारे सूरत छोटे शहरों से जी इसकी जो बुनियाद रखी है, और मैं तो यही चाहूँगा कि ये हर साल ऐसे ही ये इसकी जो ज्वाला जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और हमारे जो उत्तर प्रदेश के और आगरा के जो बच्चे हैं ये लोग इसका फ़ायदा उठावें और अपने कला को उजागर। जैसा कि आप फिल्म सुपरस्टार हैं सर, तो फिल्मी अंदाज में क्या कहना चाहेंगे आगरा वासियों के लिए? क्या एक मैसेज अच्छा सा जो लगे आपको? मैं तो यही कहूँगा कि देखो, अब तुम्हारे दरवाजे पर एक बहुत ही अच्छा सेब आ गया है, अब इसको मज़ा ले के खाओ, स्वस्थ रहो और कलाकार को जगाओ और प्रसन्नचित हो जी। मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू सर जी। सर, ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आगाज़ हुआ है आगरा में और आपकी जो फिल्म लगी है लाडली बेटियाँ, तो क्या प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों की? कैसा सबको लग रहा है कि हाँ ये फिल्म अच्छी है? आपको कुछ प्रतिक्रिया तो दी होंगी लोगों ने, तो आप बताएं उसके बारे में पूरी जानकारी। हाँ, कुछ मिले मुझे। नाम बताएं पहले अपना। मैं जोगदन फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ और ये फिल्म चैरिटी फिल्म है महाराष्ट्र पुलिस के लिए जी। ये म्यूजिकली फिल्म और एक मैसेज देने वाली फिल्म है। हाँ जी। तो हमारे बीड़ में जो बच्चों की गर्भ में हत्या हुई थी, उस सब्जेक्ट को लेकर हमने ये फिल्म बनाई है और भारत नेपाल का एक मैत्री का संदेश हमने इस फिल्म से दिया है जी। आगरा में आगाज़ हुआ है फिल्म फेस्टिवल का, तो आपको काफ़ी अच्छी इसकी प्रतिक्रिया मिली है? मतलब बहुत तो मेहनत की है जी, बाकी बहुत काबिल तारीफ के काबिल है, और क्योंकि मेरी मातृभाषा मराठी है तो, लेकिन सूरज जी ने जो काम किया है, मुझे भी पहली बार उनसे मेरे को मिलने का मौका मिला। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है, मिलके हम और अच्छा कुछ काम करेंगे। टाइटल अच्छा है आपकी फिल्म का, पर फिल्म के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। हमारी फिल्म तो भारत किस पर आधारित है, क्या है? बेटी बचाओ अभियान पे फिल्म है जी। हमने चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी अभियान से ये फिल्म हमने बनाई है। सामाजिक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी फिल्म के थ्रू? सामाजिक जन जागरण के अभियान से हम बेटी बचाओ हाँ जी और बेटी पढ़ाओ, ये संदेश देना चाहते हैं। ये संदेश आपकी तरफ से? बिल्कुल। थैंक यू सर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना।